हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत स्पेशल है। आज मैं आपको अपने हेड ऑफिस से, अपना रूम से, अपना हेड ऑफिस का सफर पूरा कराऊंगा। बीच में जो भी रास्ते आते हैं आपको पैदल दर्शन कराऊंगा। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें। यदि आप कुवैत में रहते हैं तो प्लीज ये जो एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, आप एरिया आपने देखा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इस रास्ते जाते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपको ऐसी जानकारी वीडियो मैं देता रहता हूं, आपको पूरी कहानी कुवैत के बारे में मैं बताता रहता हूं। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ इधर हेड ऑफिस और आप सामने लोकेशन देख सकते हैं। और मैंने जस्ट अभी क्रॉस किया है रिगाई। यहाँ पर लोकेशन देख रहे हैं सामने ही क्या क्या लिखा है, शुएक इंडस्ट्रियल एरिया जी। और इस सामने एक छोटा सा ब्रिज है, उसके अपोजिट में अर्दिया है। अर्दिया, अर्दिया के सामने ही बिल्कुल 100 मीटर पे यहाँ एड्रेस चेंज है। 100 मीटर के बाद है सुभान है। तो देखते हैं सुभान पहुँचने में हमको कितना टाइम लगता है। और देखते हैं, हमारे इधर सेंट्रल किचन भी है और काफ़ी लोगों के यहाँ पर सेंट्रल किचन है। तो आप बने रहे मेरे साथ और देखते हैं हेड ऑफिस का नज़ारा। काफ़ी ट्रैफिक लगा है, दिन के 12 बज गए हैं। सबसे अच्छी बात है गर्मी बहुत है, गर्मी 40 से ऊपर ही होगा। तो दोस्तों, आपको टेम्परेचर दिखाते हैं, आप देख सकते हैं लाइव, ये टेम्परेचर है लाइव। हाँ, ये देख रहे हैं आप, इधर 40 टेम्परेचर चल रहा है। ये मैं अभी निकल पड़ा हूँ अर्दिया। सामने हमने वहाँ से क्रॉस करा हाईवे को और यहाँ से मैं मुड़ रहा हूँ आगे। तो आप बने रहे मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ हेड ऑफिस, एक बड़ी सी कंपनी जिसमें 17 लाख लोग काम करते हैं, उसका हेड ऑफिस किस एरिया में होता है। काफ़ी टॉपी एरिया है। यहाँ पर आपको ओला क्या है, पेट्रोल पंप कोला क्यों है वो? अच्छा, क्यों है कोला? बहुत ज़्यादा पहुँच गए सर, हैं शॉर्टकट में इधर से। अरे वाह, कहाँ पर है? इधर ही आसपास ब्लू वाला बस नहीं आया था ग्रुप का। अच्छा, यहाँ से मैं पैदल भी जा सकता हूँ, मतलब ब्रिज पास करके दोस्तों, मैं हूँ अभी लाइव कुवैत से। अभी मैं हूँ, ये पीछे देख रहा आप, बीट यूसुफ अली यूसुफ। इंडिया में आपने बीट कंपनी सुनी होगी, काफी बड़ी कंपनी है। इसका इधर डेमो है बीट कंपनी। आप इसके जो सामने लिखा है अली यूसुफ सर्विस सेंटर, इसके पीछे ही मेरा हेड ऑफिस है, इसके जस्ट अपोजिट में पैरा सुनूंगी है नीचे। तो मैं इधर कुछ काम के लिए गया था, कुछ डाउट थे मन में कि ऐसा ऐसा ऐसा। और सबसे पहली बात, काफ़ी क्राउड था, काफ़ी लोग थे, सबके अपने इश्यूज होते हैं। जो मेरा काम हुआ वो दिन लेस देन 1 मिनट, जो चार टीम थी उन्होंने मुझे गाइड करा, पानी आने पिलाया, कॉफ़ी पिलाया, उसके बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया, वेट यू विल गेट यू विल दे आर मीटिंग HR अभी मीटिंग में है और आपको बताया जाएगा, आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद मुझे बुलाया गया, उसके बाद मेरी मीटिंग हुई और जो भी मेरे डाउट थे बहुत जल्दी कन्फ्यूज सब क्लियर हो गया। यल्ला, सो नाउ अर्दिया से, ये अर्दिया सामने है, सामने वो सामने कायदी है ग्रांड ओमनी मॉल, बिगेस्ट मॉल इन कुवैत है। जो गर्मी है अभी 43 चल रहा है, 43 आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। और आपको कुछ स्पेशल दिखाने जा रहा हूँ, ये देखो 7 लेन आप काउंट कर सकते हैं, 7 लेन गाड़ियाँ कैसी आ रही है। कोई घोड़ा वाला नहीं, कोई हाथी नहीं, कोई बाइक वाला नहीं, रिक्शा साइकिल कुछ नहीं, मैं एक ही है जो वह है गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ। सभी अपने कानून का, इसको आप ट्रैफिक नहीं बोलेंगे, इसको
क्योंकि बहुत वीआईपी रोड है और इसमें काफ़ी जो ये रोड है जो वो वीआईपी रोड है, काफ़ी बिजी है, काफ़ी बिजी एक्सप्रेस है। और मैंने बहुत पहले अपने दोस्त को भी इधर से बुलाया था अर्दिया से कि मैंने बोला था केवल एक ब्रिज आपको क्रॉस करना है और सामने ही मेरा नूम, मेरा जो रूम है वो नज़र आएगा। तो दोस्तों ये बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, गर्मी कितनी हो रही है, इंडिया में बारिश हो रही है। ये आप देख सकते हैं इधर बालू का क्या बन रहा है। एक्चुअली यहाँ पर कुछ बिल्डिंग बननी है, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर बनी है। देखो बालू इकट्ठा कर दिया गया है, देखो कैसा बालू है। और ये ब्रिज मैंने यहाँ पर क्रॉस करा और मैं निकल पड़ा हूँ अपने अकोमोडेशन की ओर। छोटा सा एक ब्रिज है, मैक्सिमम ये 10 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अर्दिया से मेरा रूम। यदि आप पैदल आएंगे अर्दिया में बहुत सारे जो कंपनी हैं उनके हेड ऑफिस हैं, बड़े बड़े हेड ऑफिस हैं, तो आप वहाँ आते हैं और आपको यदि मेरे से मिलना है तो रिगा सामने अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है। और मुझे जो आइडिया है, जो ब्रिज है यहाँ पर बाल वालों यहाँ से कुछ बन रहा है, कुछ नया बन रहा है, मुझे कुछ भी जानता नहीं है। यहाँ पर बहुत छोटा सा बगीचा, काफ़ी गर्मी है यहाँ पर, जो पेड़ उगाना पौधे उगाना, एक बच्चे को पालना नहीं 10 बच्चों को पालना के बराबर है। गर्मी आप देख सकते हैं इतनी गर्मी और ऊपर से बालू, क्योंकि यहाँ चारों तरफ बालू ही बालू है, इतना बालू है पूछो मत, ठीक है ना। तो मैं निकल पड़ा हूँ अभी कहाँ, अपने मंजिल की ओर। काफ़ी गर्मी है और मैं निकल पा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी निकल रहा हूँ क्योंकि मैं पैदल चल रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप देख रहे हैं मुझे लाइव कुवैत से। बहुत सारे जो आपके मैसेज आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे, उन सभी के लिए आप यदि कुवैत पहुँच गए हैं तभी मुझे नंबर मांगे, आप यदि कुवैत पहुँच गए तो अपना कुवैत का जो नंबर है आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप पर कनेक्ट करूँगा। जो अभी फ़िलहाल इंडिया में है और कुवैत आ रहे हैं और उनका टाइम लग रहा है उनको 4 महीने 6 महीने, उनके लिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। क्यों टाइम लगता है कुवैत में, क्या कारण है कि कुवैत का वीज़ा मिनिमम 45 दिन का लगता है। इसका कहने का मतलब है कि किसी कोई लोग 45 दिन में भी आए, कोई 100 और कोई 300 दिन में भी आए, 350 दिन में, 360 दिन। ऑफ़र लेटर मिलने के बाद एक साल वेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों आपको सिंपल एक ही राय है, यदि आपने कुवैत का इंटरव्यू दिया है और कहीं का भी इंटरव्यू दिया है गल्फ में, तब तक नौकरी ना छोड़ना। आप इंडिया में हो तब तक नौकरी ना छोड़ना जब तक आपका टिकट ना आ जाए, क्योंकि कई टाइम पे वीज़ा आ जाता है और टिकट आने में भी काफ़ी टाइम लगता है। और आप जब आपका वीज़ा आता है तो आप कंपनी को, यार जो भी है आपको टिकट कब चाहिए, 10 दिन 15 दिन, आप वहाँ से मैसेज कर दें कि सर मेरा इस कंपनी में मुझे 1 महीना टाइम देना है, अब मेरा वीज़ा आ चुका है, मुझे दिक्कत नहीं है, और आप मुझे टिकट दे सकते हो, तो आपको टिकट मिल सकता है। तो मैं भी यहाँ पर रोड क्रॉस कर रहा हूँ, काफ़ी राउंड है, काफ़ी गर्मी है इधर, काफ़ी कुछ यहाँ पर अरेबिक रेस्टोरेंट है बट नाम का पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप यदि अरबी जानते हैं तो पढ़ सकते हो इधर क्या लिखा है ना। सबसे पहले फ़ोन नंबर लिखा है उसके नीचे, रेस्टोरेंट नहीं कुछ सामान है, मोस का है। तो दोस्तों तो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ पर जो दुकान है अंदर, क्या लिखा है पता नहीं है, यहाँ पर ये कुछ बना रहे हैं, देखो कैसे कैसे बना रहे हैं। उसको लिखा है पानी के लिए कुछ अंदर निकल रहा है, कुछ सीधे अंदर जाना है अपने रूम की साइड। ये बाहर का लगाना बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आपको जगत ऑप्शन यूट्यूब चैनल पर ऐसी जानकारी मिलेगी, कैसा मेरा सफर है आप मुझे कमेंट्स में करें। यदि आपका हेड ऑफिस अर्दिया में है, अरे गाय में है, तो आप मुझे मैसेज करें,
आप कुवैत पहुँच गए तो आपको मैं बता देता हूँ, आप जिस भी कंपनी में हैं, बहुत सारे जो यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे फ्रेंड्स बने हैं वो मुझे कमेंट्स करते हैं मैं इस कंपनी में, तो मुझे पता चलता है कि अरे वाह बहुत अच्छी कंपनी आपको पहले भी बता रहा हूँ और अभी भी, कंपनी कोई छोटी नहीं होती है, छोटी से बड़ी होती कंपनी। और यहाँ पर मैं चल रहा हूँ अपने रूम के साइड, फिर ऐसी दिलचस्प वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि वीडियो में नहीं है तो कुवैत से जॉब से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपको तो मुझे मैसेज लिखें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, मैसेज लिखें डायरेक्ट मुझसे बात करें। चलो ठीक है, बाय। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों मैंने अपनी गांव की वीडियो, अपने शहर की वीडियो, अपने देश की वीडियो और विदेश की वीडियो आपको दिखा रहा हूं मैं। यदि आप यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल पे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका कोई भी सवाल हो तो